बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स क्या है, उसको किस तरह से उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। वर्ब बेसिकली दो चीजों को डिनोट करता है, एक होता है एक्शन है, स्टेट है, या तो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को कहते हैं, या इस तरह से आप दो मेजर कैटेगरीज में ऐसे कह सकते हैं कि जो किसी चीज की स्टेट को शो करे वो भी वर्ब होता है, और जो किसी की होने का या बीइंग को इंडिकेट करे या स्टेट को शो करे वो भी वर्ब होता है। ये हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स जो होते हैं जो स्टेट को शो कर रहे हैं, स्टेट हमेशा जल्दी चेंज हो जाती है, जल्दी चेंज नहीं होती, और एक्शन हमेशा जल्दी चेंज होता है। जैसे बंदा टॉक कर रहा है तो उसमें उसकी स्टेट, उसकी हालत जो है या वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं तो वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। तो एक्शन और स्टेट ऑफ वर्ब में ये फर्क होता है कि उसमें चेंज जल्दी हो रही होती है और उसमें चेंज जल्दी नहीं हो रही होती। अब कुछ वर्ब ऑफ इमोशंस हैं, उसके बाद वर्ब ऑफ ओनरशिप है, वर्ब ऑफ माइंड है जो फीलिंग के रिलेटेड होते हैं, ये सारे के सारे वर्ब। फिर हम आगे देखते हैं कि इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्लाइड में से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्ब ऑफ जो स्टेट हैं, सेंसेस हैं और लिंकिंग ऑक्सिलरीज हैं, इनको हम नॉन कंटिन्यूस वर्ब होते हैं, इनको हम कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं लगा सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते ही इज बिकमिंग अ डॉक्टर, ये नहीं हो सकता, क्या होगा, ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होते हैं। जैसे देखिएगा जरा, सही करते जाना जल्दी से साथ साथ जी। ही इज लाइकिंग यू, लाइक्स, He is saying, उतना वर्ड बोलते जाना जितना गलत। See. He sees भी हो सकता है और he is looking भी हो सकता है। और see और look में क्या फर्क होता है? Look, एक नजर देखना। जी, look जो है जो आप देखते हैं intentionally देखते हैं, यानी इरादा करके देखते हैं, वो list क्या होगा, look होगा। जो आपकी इंटेंशन के बगैर आपको नजर आता है वो क्या होगा, वो सी होता है, यानी जिसमें आप खुद जन इंटेंड करके करते हैं। थीफ इज हैविंग माय ज्वेलरी, नहीं होगा, क्या होना चाहिए, हैज माय ज्वेलरी होगा। जी, द हार्ट इज साउंडिंग गुड, साउंड्स गुड होगा। द नर्स इज हियरिंग हिज हार्ट बीट, हार्ट बीटिंग, Hears होगा या listening होगा। जी, उसके बाद she is knowing how to be a good nurse, knows होगा। I am believing your explanation, I believe होगा, knows, I believe, I am understanding, I understand, or are you agreeing with me, क्या होगा, Do you agree with me? Believe. हो गया बच्चों? जी, आगे चलें। Come on, जी। Stative और dynamic verb कुछ ऐसे हैं। Agree. Next वाला देखिए। You are weighing 95 kilos. होगा, ठीक है, क्यों, I'm audible to all of you? Yes, sir. Okay, let's see, जी. You are weighing, क्या होना चाहिए? You weigh 90. You weigh होगा. उसके बाद, carry on. Likes. He likes. Next. Cost. कॉस्ट होगा, कॉस्टिंग नहीं होगा। सीम्स, सीम्स, सैड, सीम्स सैड,
सैड होगा। अब ये जो होने के वर्ब हैं, जो टू बी वर्ब होते हैं, इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव लगाते हैं। और ये टू बी वर्ब कौन से होते हैं? जो होने का मीनिंग थे, जो क्या होगा उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, नेक्स्ट वाला। अब याद रखिएगा, टर्न मुड़ना भी होता है और टर्न होना भी होता है। तो अगर मुड़ना हो तो फिर क्या यूज करेंगे? वो एडवर्ब लगेगा इसके साथ। अगर होना मुराद हो तो एडवर्ब, फेल एडजेक्टिव इस्तेमाल। जी, have completed his study. शाबाश, क्या होगा? Having, completing his task. Having के बाद हमने completed ही लगाते हैं। क्या होगा? ये इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि having अगर किसी और meaning में इस्तेमाल करें तो फिर हम इसको gerund के तौर पे इस्तेमाल करें, पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल करें, या उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट वाला। डिसलाइकिंग, डिसलाइकिंग अदर्स, और टू डिसलाइक भी हो सकता है। शाबाश, नेक्स्ट वाला। कम ऑन, सीइंग इज बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग। Seeing is believing, मुहावरा भी है, एक प्रोवर्ब है। जी, उसके बाद to see हो सकता है सर? To see नहीं, ये वैसे मुहावरा है, इसको seeing is believing भी लिखते हैं। जी, बोलते जाएं। शाबाश, believing to have क्या होगा? Is to have होगा। शाबाश, अब यहाँ पे और हैविंग भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया। हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग लंच, यहाँ पे खाने से मुराद है। तो यानी इसका मीनिंग अगर चेंज हो जाए तो इसके फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलीविंग ऑन अदर जैसे है, यहाँ पे लविंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स है, डोंट स्टॉप फॉरगेटिंग योर पास्ट है, डिसलाइक इज डिपेंडिंग है। यहाँ पे एक चीज देखनी है, यहाँ पे हिज आजे, हिज, योर, हर, देयर, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? उसके बाद हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। Is she being beautiful? इसमें क्या गलती है? Is she beautiful? Being नहीं आएगा। Being नहीं आएगा, शाबाश। Were you being late? Were you late? Were you late? क्यों नहीं लगाएंगे? दोनों एग्जांपल में हम being क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये दोनों दोनों में इज जो है या वॉज जो है यो भी बीइंग का ही मीनिंग दे रहे हैं, यानी होने का मीनिंग दे रहे हैं। तो जब कोई चीज होने का मीनिंग दे तो उसको मजीद हम जो ना वो बीइंग नहीं लगा सकते, वो पहले ही ऑलरेडी मीनिंग देते। जैसे आपने पढ़े हैं कि जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव होते हैं या फ्यूचर जो है ना वो कंटिन्यूस होता है, उसको हम पैसिव वाइज इसलिए नहीं बनाते कि उसमें बीइंग वो पहले ही आ रहा होता है, यानी हो रहा होता है एक्शन, तो फिर हम उसके साथ मजीद पैसिव वाइज नहीं बनाते। जी भाई, नेक्स्ट। वेरी कंफर्टेबल, क्या होगा? द काउच, क्या होगा? लुक्स सो कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे क्या होगा? लुक्स आएगा, इज लुकिंग नहीं होगा। आई एम, यहाँ पे होना मुराद है, होना मुराद नहीं आएगा। क्या होगा? वेरी इस्तेमाल करेंगे, सो हम तब लगाते जब उसकी एक्सप्लेनेशन हो या किसी बैकग्राउंड में बात कर रहे हो। ये मैंने आपको पहले बताया, एडवर्ब हम पढ़ते हैं, सो हम तब लगाते हैं जब उसके आगे एक्सप्लेनेशन मौजूद है। जैसे द काउच लुक्स सो कंफर्टेबल दैट आई क्या होगा? स्लीप ऑन इट, तो फिर ये क्या होगा? सो इस्तेमाल करेंगे, वरना वेरी कंफर्टेबल। आई एम थिंकिंग आई शुड लीव फॉर अमेरिका। अब यहाँ पे आई थिंक क्या होगा? आई थिंक होगा, अगर थिंकिंग का मीनिंग आई थिंक आई शुड लीव होगा। और एक और चीज याद रखनी है, अगर थिंकिंग का मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ से मुराद जो है ना वो थिंकिंग से मुराद यहाँ पे वो प्लान करना भी हो सकता है। तो प्लान करने के मीनिंग में जब आ जाए तो फिर हम थिंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज रिमेम्बरिंग क्या होगा? शी रिमेम्बर्स होगा, शी रिमेम्बर्स। ही इज रियलाइजिंग नहीं होगा, क्या होगा? ही रियलाइजेस। और योर आर्गुमेंट्स क्या होगा? साउंड ग्रेट होगा।
sound great. Sound great. ये तो थे हमने आगे कुछ और हैं जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब हैं शाबाश देखिएगा जरा क्या promises see promises या क्या होगा उसके बाद या she has promised that उसके बाद she has been meaning She means the government has been understanding. Understand. I know the five members of family are depending. Depend upon hoga. Depend. She will be needing ni yoga. She needs yoga. The top star will be satisfying. Yeah, satisfied hoga. Satisfied hoga. ठीक है. Be verb के बाद हमने क्या use करना है? अच्छा एक और बात याद रखिएगा अब यहाँ पे सेटिस्फाइड क्यों लगाया ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है सेटिस्फाइंग बी वर्ब के बाद मैंने क्या बताया था जो होने का वर्ब मीनिंग दे उसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं शाबाश शी हैज बीन इमेजिनिंग इमेजिनड हो सकता है या शी इमेजिन्स हो सकता है दोनों तरह से लगाया जा सकता है शाबाश We owe a lot. Oh, Asha, we owe a lot. We are owing nahi hoga. It depends upon you. Aur agar isko main as a subject laga lu, depending upon others for your needs is not a good. To phir hum use kar sakte hain. Depending others hona as a subject aa jayega. Ya I don't like depending on others. Yahan pe as object istemal ho raha hai. To maine bataya ki iski placement jo hai na verb ki हटा देंगे तो फिर ये इस्तेमाल हो सकते हैं क्लियर हो गया ये पॉइंट डिपेंडिंग ऑन अदर्स और आई डोंट लाइक डिपेंडिंग ऑन अदर्स दोनों सूरतों में क्या है वो उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है जी नेक्स्ट वाला मुख्तलिफ केसेस में इस्तेमाल हो रहा है एग्री जी क्या होगा एग्री है Agree. उसके बाद वाज सरप्राइज्ड होगा शाबाश Disagree हो जाएगा ठीक हो गया जी ये तो थे हेलो सर जी सर ये पिछली स्लाइड ये द बॉय वाज सरप्राइज कैसे होगा आगे ही वेल वाली क्लास लगा रहा है तो पीछे ब्रदर नहीं आएगा कहां पे ये द दूसरे वाला लास्ट वन टू सेकंड वन ये वाला ये नंबर no, सर पिछली आगे स्लाइड दूसरी साइड और पिछली स्लाइड ये वाली में यस सर ये द बॉय वाज सरप्राइज्ड ये आगे इसने प्रेजेंट लगाया ही कल ये फ्यूचर लगाया ही विल क्लोज उसका टेंस चेंज कर उसका टेंस चेंज कर देंगे हम जहां पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ क्या है कि वो आपने उसमें नॉन कंटीन्यूअस फॉर्म है वो जाहिर है उसी हिसाब से रेलेवेंट चेंज हो जाएगी पास्ट है तो आगे वुड इस्तेमाल ठीक है जी शाबाश जी नेक्स्ट वाला गुड पॉइंट जी आगे जो ना हम देखते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जैसे सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने पहले बात की भी और आपको पता भी है दो सवाल करने हैं हमने ये कॉमन सा फार्मूला बता दूं आपको कि हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब अगर आपने सवाल करें हु इज डूइंग तो वो सब्जेक्ट होगा और व्हाट इज बीइंग डन तो वो ऑब्जेक्ट होगा अगर इसका जवाब नहीं आ रहा तो फिर ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये दो व्हाट इज बीइंग डन का जवाब आ जाए आपको तो फिर ऑब्जेक्ट होगा अब सवाल पैदा होगा कि दूसरे कौन से वर्ड हैं या कौन से सवाल हैं जो हमें और भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अगर वो ये बता रहे हैं कब हुआ एक्शन क्यों हुआ कहाँ पे हुआ कैसे हुआ कितनी दफा हुआ कितना ज्यादा हुआ क्या होगा हुआ कि नहीं हुआ प्रोबेबिलिटी है सर्टेनिटी है श्योरिटी है निगेशन है तो वो सारे के सारे एडवर्ब होंगे वर्ड उसके वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन दो सवाल जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में होते हैं कौन करने वाला है और क्या हो रहा है तो इसको हम क्या करते हैं जब हमें क्या हुआ है वो एज ऑब्जेक्ट आ जाए वो हम क्या है एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो क्या जो है वो उसका जवाब आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है अगर जवाब नहीं आ जाए तो फिर इंट्रांजिटिव है जैसे हमें अक्सर गलती लगती है ही मेट ऑन द रोड यस्टरडे तो हम समझ लेते हैं वो बताइएगा कौन सा है इसमें मेट सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट क्या है कोई भी नहीं कोई भी नहीं
अब ऑन द रोड किस सवाल का जवाब है, कौन सा सवाल करेंगे मीट पे कि ऑन द रोड का जवाब आए, वेयर होगा, और यस्टरडे व्हेन, व्हेन, ठीक है, इसका मतलब हु मेट, हुम मेट। अब जाहिर है जब मेट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, अब जाहिर है इसका सवाल का जवाब आता है कि नहीं, कौन मिला और किससे मुलाकात हुई, तो इसका मतलब है व्हाट का जवाब आता है इसमें कि नहीं आता, व्हाट का जवाब आता है तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं किसी वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में चेक करने के लिए। जैसे ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग इन द चेयर या इन द हॉल, तो आप जरा बताइएगा सिटिंग कौन कर रहा है, और व्हाट सिटिंग, नथिंग, इन द हॉल क्या है, वेयर सिटिंग है, वो एडवर्ब हो गया। तो एक और चीज याद रखनी है, ट्रांजिटिव वर्ब में दो कैटेगरीज होती हैं, एक हमेशा क्या होगा रिक्वायर ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे ही किल्ड इन एंगर नहीं हो सकता, ही किल्ड के साथ जो है ना वो क्या होगा, हमें लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वी ईट फूड डेली है, अगर इसको ये ट्रांजिटिव वर्ब, और वी ईट टू लिव है, ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन दोनों में ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इसमें जो है ये फूड खा रहा है और इसमें हमारा जनरलाइज्ड बिहेवियर शो कर रहा है, वी ईट टू लिव जो है ये हमारा जनरलाइज्ड बिहेवियर। इस तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लाफ्ड, क्राइड, फेल, गैलप्ड वगैरह, और क्या होगा इस तरह से हमने समझ लेना है कि वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं, जहां पे खा पता ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा एक और बात याद रखनी है कि जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं हो लग सकता, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं लगा सकते, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं लगा सकते, वहां पे हम एम्फेटिक प्रोनाउन लगा सकते हैं, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते ही किसकी जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये भी ध्यान में रखना आपने। इसके अलावा जी आगे चलते हैं जरा, ये प्रैक्टिस थी वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की, आपको पता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। उसके बाद है दो तरह के मेन वर्ब होते हैं, जो एक मेन वर्ब कहलाते हैं और एक ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब जो आपकी मेन वर्ब है, जिसमें मेन एक्शन जो है ना वो शो हो रहा होता है या स्टेट शो हो रही होती है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो उसके हेल्प कर रहे होते हैं या उसके मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं मेन वर्ब, ऐसे को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आगे तीन टाइप्स होती हैं, हेल्पिंग, मॉडल और लिंकिंग। हेल्पिंग ऑक्सिलरी किस लिए यूज करते हैं, क्या मकसद होता है इसका, आपको क्या जानते हैं जी हेल्पिंग ऑक्सिलरी के बारे में, क्या वो क्या उनसे हेल्प करते हैं ये मेन वर्ब की? मेन वर्ब की क्या हेल्प करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग ऑक्सिलरी, टेंस चेंज करते हैं उसके, उसका टेंस बताते हैं, ठीक है, उसका टाइम बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं, ही वाज डूइंग, ही विल बी डूइंग और ही इज डूइंग, तीनों में फर्क किसका है, ऑक्सिलरी का, हेल्पिंग ऑक्सिलरी का, जो उसका टाइम बता रहा है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या कहते हैं, उसकी मूड को बताता है, इसका इंपेरेटिव मूड है, सब्जेक्टिव मूड है, जो है ना वो कैपेसिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ये मूड को शो कर रहा है, इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। और लिंकिंग ऑक्सिलरी जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करता है, उसको हम लिंकिंग ऑक्सिलरी कहते हैं। याद रखिएगा लिंकिंग और हेल्पिंग ऑक्सिलरी सेम भी हो सकते हैं, लेकिन इसके फंक्शन में डिफरेंट है। ही इज हेल्पिंग मी और ही इज माई नेबर, दोनों में कौन सा लिंकिंग और कौन सा जो ना वो है हेल्पिंग है? He is helping me, he helping Xavier, he is my neighbor, linking Xavier. ये लिंकिंग है जो सब्जेक्ट और उसकी इंफॉर्मेशन को या उसके क्या होगा उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट आगे फिर चार तरह का हो सकता है, वैसे किताबों में दो तरह का लिखते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। एक को नॉमिनल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन एक और भी है, आप प्रेपोजिशन को हम भी एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और इन्फिनिटिव को भी एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। जी हम आगे चलते हैं जी, इसके बाद हम ये सभी की एग्जाम्पल्स हैं, जरा देखिएगा जी इनको ठीक कीजिएगा। कमाल, द मैन किल्ड व्हेन ही गॉट ऑफेंडेड विद हिज वाइफ, क्या होगा जी? क्योंकि किल के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शाबाश, द लाइन हिट
in the forest? Hide himself. दोनों इस्तेमाल कर देंगे, बल्कि himself भी लगा सकते हैं क्योंकि sex distinction है उनमें, तो वहाँ पे लगा सकते हैं. जी शाबाश. अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे आपके बताइएगा lying verb हो गया, subject हो गया boys, और ये on the bed क्या है? On the bed क्या है? किस सवाल का जवाब है? Where? उसके बाद lazily. किस सवाल का जवाब है? How? In the evening? When? तो अब जब एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाए तो फिर हमने इसकी तरतीब चेंज कर देनी है. क्या होगा? लेजीली ऑन द बेड इन द इवनिंग, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लगाते हैं. एमपीडी का फॉर्मूला याद रखना है. पहले क्या होगा, इनमें जो इंट्रांसिटिव वर्ब में ये कंफ्यूजन होती है कि हमें चूंकि हर चीज को ऑब्जेक्ट ही समझ रहे होते हैं और इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, तो ये याद रखिएगा जब हमने तरतीब लगानी हो सारे के सारे एडवर्ब आगे तो फिर उनकी तरतीब एमपीडी के हिसाब से होगी, यानी मैनर प्लेस और टाइम के हिसाब से होगी. जी कम ऑन नेक्स्ट. बच्चों क्या होगा? कम ऑन, द फैन इज हैंगिंग फ्रीली विद द सीलिंग होगा. पहले मैनर फिर प्लेस लगाना, ठीक है. अब क्या होगा? जी broad-minded always praises when he observes some great achievement. अब ये जो ना वो पूरी की पूरी क्लॉज भी हम जो ना एज अ टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या होगा? always praises जी ठीक है. उसके मिस्टर अहमद इज एन एम्बिशियस एंड डिलिजेंट. यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है जहाँ पे ये एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है. इसमें गलती क्या है जी? एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आएगा. एम्बिशियस एंड डिलिजेंट. या तो दो तरीके हैं, या तो एन नहीं लगाएंगे या फिर एन लगाना है तो फिर आगे कोई नाउन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. चलें जी नेक्स्ट वाला. सर ये 5 वाला ठीक था? चेक कर लीजिएगा जरा. Broad minded person always praises. हाँ, ये इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा. क्या ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा? Praises के बाद क्या लगाना हमने? Himself. जो ना वो या तो himself या बल्कि great achievement देख रहा है तो किसी की, तो praises the person या a person, ठीक है, या other person किस तरह से लगा सकते हैं. क्योंकि praise जो है वो transitive verb है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी, ठीक है जी. नेक्स्ट नेक्स्ट वन आएगा क्यों? एडजेक्टिव है तो उसके साथ आनी लगेगा. नेक्स्ट वाला एन इंजीनियर होगा. यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट है. मैंने बताया दो तरह के कॉम्प्लीमेंट हो गए, या एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा. अब अगर जरा एक और चीज समझनी है, नाउन होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या वो काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा. अनकाउंटेबल हो तो एन लगेगा? नहीं लगेगा. नो. अगर जो अनकाउंटेबल होगा तो वो दो सूरतें हो सकती है आगे. फिर गल्ला दो ही है, जैसे नहीं वो बात एक बताते, गल्ला दो ही है आगे. फिर दो बातें क्या है जी? या वो नाउन सिंगल होगा या प्लूरल होगा. अगर वो सिंगल है तो उसके साथ एन लगेगा, अगर प्लूरल है तो उसके साथ भी एन नहीं लगेगा. तो दो तीन बातें मैंने बताई. नाउन अगर एज अ कॉम्प्लीमेंट हो, यानी इज एम आर वाज वर या किसी भी टू बी वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. नाउन क्या पॉसिबिलिटी है? अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल होगा. अनकाउंटेबल के साथ कोई भी क्वांटिफायर नहीं लग सकता. ठीक हो गया, क्लियर हो गया इतना पॉइंट. ए एन नहीं लग सकता. अगर दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि वो नाउन काउंटेबल, काउंटेबल के फिर आगे दो ऑप्शन, या वो सिंगल है या प्लूरल है. सिंगल है तो
उसके साथ क्या लगाना है, ए एन लगाना, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ ए एन नहीं लगेगा। फिर तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है उसमें कि वो नाउन देखना है कि किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या यहाँ पे शी इज इंजीनियर्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? शी जो है वो एक सिंगल है तो सिंगल को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे सारा एंड क्या होगा, आरिफा इज एन इंजीनियर नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, या आर एन इंजीनियर नहीं हो सकता, आर एन इंजीनियर हो सकता नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में भी हमारा नॉन प्लूरल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरह से करेगा। क्लियर हो गया जी? ये बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलें जी नेक्स्ट वाला देखिएगा। ही हैज एन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होगा। द पर्पज ऑफ हिज लाइफ इज वर्क हार्ड, इज टू वर्क हार्ड जी। द एम ऑफ मैनी पीपल Is to deceive. जब कॉम्प्लीमेंट में हम, जैसे मैंने पहले बताया कि किताबों में आपको नाउन कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपको नजर आएगा, यहाँ पे इसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, ये इन्फिनिटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट हो, वहां पे इन्फिनिटिव टू के साथ इस्तेमाल करें। इज टू डिसीव अदर्स, सन वाज सेटिंग इटसेल्फ एंड रेड ग्लो फिल्ड द स्काई जी। क्या मिस्टेक है? सन वाज सेटिंग, सेटिंग होगा इटसेल्फ, फिर क्यों नहीं लगा सकते इटसेल्फ, नहीं आना, क्यों नहीं लगाएंगे, ये इंट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव है, रिक्वायर ही नहीं करता। ठीक है, ये हमने याद रखना है, ये जो प्रोनाउन सेल्फ और सेल्व्स वाले, जिसको हम दो फंक्शन होते हैं, एम्फेटिक भी होता है और क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव होता है जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना, ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर हो तो हमने स्ट्रेस देना हो तो फिर हम एम्फेटिक प्रोनाउन उसको कहते हैं। मसलन He met me, subject verb object पूरा है, और he himself met me, तो ये himself जो ना अब stress देने के लिए है, ना कि object की जगह पे है, क्योंकि met me, me object आ गया है। जब object मौजूद हो, emphasis देना हो, तो फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, next one. drive जी, क्या होगा, you are going to have to drive, have a drive, क्या होगा, have a drive हो सकता है। ठीक है, अगर have के बाद verb लगाना हो, क्योंकि drive जो है ना दोनों तरह से हो सकता है, क्या होगा, have a drive to the school, और अगर हमने verb के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो have के बाद क्या लगाएंगे, verb कौन सा verb लगाएंगे, have के बाद ना होना drive नहीं, have के बाद driven होगा, third form इस्तेमाल करते हैं, to have driven, yeah. अगर कोई बंदा drive किया जा रहा हो तो फिर हम उसके लिए driven भी लगाएं, क्योंकि drive का मतलब एक गाड़ी चलाना नहीं होता, drive का मतलब किसी को direct करना, किसी को लेके चलना भी होता है। ठीक है जी, next वाला जी, शाबाश। इसमें क्या मिस्टेक है? देखिएगा, जब आई ब्रश माई टीथ है तो स्टेयर के साथ भी हमें एज अ एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, तो क्या होगा, एट माई सेल्फ जो है वो इस्तेमाल करें जी। उसके बाद है जी, बच्चों अब देखिएगा, जहां पे हम बात कर रहे थे, ये यहां तक क्लियर हो गया, एवरी मॉर्निंग तक ये स्टेयर वाला आवाज आई थी आपको, आई ब्रश माय टीथ एंड स्टेयर एट माय सेल्फ होगा, क्योंकि स्टेयर के बाद हमने क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद टू बी वर्ब्स हैं, टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, जैसे फ्लावर स्मेल्स, स्मेल स्वीट, आर स्वीट, बी स्वीट, वर स्वीट, बीन स्वीट, ग्रू स्वीट एंड बिकम्स। अब यहाँ पे सारे में क्या है, यहाँ पे फ्लावर स्वीट है, यानी कि होने का मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए इसको हम टू बी वर्ब कहते हैं। फिर हम रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होते हैं, जिनके ईडी के साथ पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बने या पार्टिसिपल्स बने, उसके साथ हम क्या कहते हैं, रेगुलर, जिसके साथ ऐसे ना बने वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं।
इसमें सिंपल जो ना फॉर्म का फर्क हो सकता है, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है. ईट एट ईटन है, ये डिफरेंट है, कॉस्ट कॉस्ट है. और खास तौर पे याद रखना है जिनकी फॉर्म सेम होती है, इसमें अक्सर गलती लग जाती है. कॉस्ट कॉस्टेड कॉस्टेड जो ना ऑप्शन हो सकता है, जैसे हर्ट है हर्टेड हर्टेड का ऑप्शन हो सकता है. हाइट जो ना इस तरह से इनके साथ हम, या मीट मीटेड मीटेड इस तरह का कोई ऑप्शन आ सकता है. लूज 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 जो है ना इस तरह का वो ऑप्शन आ सकता है. ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड हैं, ये जो वर्ब की इररेगुलर वर्ब्स हैं, इनके हिसाब से कुछ इस तरह से मिस्टेक आ सकती है. यानी कि अगर आपको इस तरह से आ जाए कि मतलब ही हैज या दिस हाउस हैज कॉस्टेड मी 10 लाख, तो फिर जाहिर है क्या मिस्टेक होगी, क्या होगा, कॉस्ट आ जाएगा जी. उसके बाद वर्ब की आगे फिर दो और टाइप्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. फाइनाइट वर्ब जिनमें टेंस होता है, उसके बाद जो है ना वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स में पर्सन नंबर सब्जेक्ट और टेंस से मार्केशन होती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. जो मुतासर होता है यानी पर्सन चेंज करने से आई हैव है और शी हैज है, नंबर चेंज करने से ही इज है और दे आर है, सब्जेक्ट चेंज करने से सब्जेक्ट उसमें होता है और उसका टेंस होता है, ही हैज और ही हैड है, ये टेंस है, तो ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिनका इनसे कोई तअल्लुक नहीं होता, इससे मुतासर नहीं होते, लेकिन इसके रोल अलबत्ता होता है, वो हम देखेंगे आगे से होते हैं. फाइनाइट वर्ब्स है जैसे शी बिलीव्स है, प्रेजेंट टेंस है, डजंट है वगैरह वगैरह. और नॉन फाइनाइट जो इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है, ये सारे के सारे नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. अब इनको हमने देखना है कि किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. इन्फिनाइट में इन्फिनिटिव है और उसके बाद पार्टिसिपल है. इन्फिनिटिव को हमने पढ़ेंगे आगे कि कितनी टाइप का इन्फिनिटिव और किस तरह से किस तरह से इसको यूज करते हैं. टाइप एक ही है, इन्फिनिटिव एज एक्टिव भी होता है, इन्फिनिटिव एज अ पैसिव भी होता है. ये हमने कल पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटिव एज एक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटिव एज अ पैसिव होगा. पार्टिसिपल की आगे दो टाइप्स होती हैं, जहां पे ये कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, जहां पे कंप्लीशन को शो कर रहे हैं वहां पे वो पास्ट पार्टिसिपल लगाना है. जैसे द मैन रनिंग, रनिंग कौन कर रहा है, क्या होगा, क्या होगा, कौन कर रहा है, मैन कर रहा है, तो इसलिए वहां पे क्या यूज करना है, हमने वहां पे रनिंग इस्तेमाल करना है. और शूज है, ये ब्रॉट कर रहे हैं, ये ब्रॉट हुए हैं, तो वहां पे हमने क्या यूज करना है, हुए हैं, तो वहां पे क्या लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल लगाना है. और सपोज मैंने बताया इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन सपोज हम कर रहे हैं कि रनिंग का सब्जेक्ट मैन है और शूज जो है वो ब्रॉड का ऑब्जेक्ट. ठीक है जी, चले आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे करते हैं. दिस इज टाइम फॉर न्यू क्लास. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्डिंग प्रीवियस लेक्चर यू वर गिवन विल बी शेयर्ड विद यू इंशाल्लाह टुडे. Next time, see you. Love you. Sorry, but